लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कितने दिनों के बाद हम सब लोग पहली बार आजादी से सांस ले सकते हैं। ओए रब करे अब वो जेलर हमें कभी पकड़ ना पाए। सच बोलता है यार, अगर जेलर ने अपन को नहीं पकड़ा और गॉड की मेहरबानी रही तो अपना बाकी का कल लाइफ मस्ती में कटेगा। क्या बोलते हैं किशन, चलना। पुलिस की नजरों से बचने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ दिन में भी कोई आता जाता नहीं। आसपास के बस्ती वालों का ये कहना है कि ये भूतों का डेरा है। भूतों का डेरा? नहीं नहीं, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। दुनिया में कोई भूत प्रेत कोई जंगली जानवर इस इंसान नाम के जानवर से ज्यादा खतरनाक नहीं होता। नुकसान तो सिर्फ जीते जागते इंसान ही पहुंचा। ये तुम लोगों का कमरा है, तुम्हारे खाने पीने का सब इंतजाम मैं कर चुकी हूं, बस अपने हाथों से पकाकर खाना होगा। एक बात और, मेरी जरूरत का सारा सामान मेरे कमरे में मौजूद है, तुम लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अरे किशन, ये 20 साल बाद पिक्चर का लोकेशन नहीं लगता तेरे को? खान भाई, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये राज क्या है और हमें यहां पे क्यों लेके आई, बताओ ना खान भाई। जीरा गोली की फैक्ट्री खोलने लाई है। क्या बोला तू, जीरा गोली की फैक्ट्री? अबे जीरा गोली की फैक्ट्री में अपन लोग क्या करेंगे? अबे लल्लू, जो औरत हमको इतना खतरा मोल लेके यहां पे लाई है, ये जगह, ये राशन, वो झाड़ियों वाली गाड़ी याद है? कोई बहुत बड़ी प्लानिंग लगती है, मामूली बात नहीं है। मेरे को लगता है ये अपन को फांसी के फंदे से इसलिए बचाकर लाई है ताकि अपन को आराम से खुली हवा में मरवा सके। ओए ठीक कह रहे हो कबीर भाई, चलो उठ। मुझे भी लगता है इसने कोई बहुत बड़ा सोता रहता साला डेंजर काम सोचकर रखा है हमारे लिए। उसने सोचा है ना, हमने तो नहीं। इन बॉक्सों में हमारी सारी मुसीबतों का हल है। ये गन, इतने सारे ग्रेनेड्स,
अब हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अबे तू बाल बांका करने की बात कर रहा है? जिस आतंकवादी का ये ट्रक है ना, उसे अगर पता चल गया कि तू उसके डब्बों में झांक रहा है तो अपना सब कुछ बांका हो जाएगा। तू ठीक कह रहा है केविन, पुलिस के चक्कर से बचने के लिए अगर अपन इन आतंकवादियों के चंगुल में फंस गए ना तो लेने के देने हो जाएंगे, बहुत लफड़ा हो जाएगा। किशन भाग, कूदो, आओ जल्दी आओ, कमान कमान जल्दी करो, चलो तरफ देखो, भाग गए सारे, चलो ट्रक ले चलो, कमान वापस चले आए। क्या समझते हैं आप लोग, जेल से निकलकर अपना फांसी का फंदा वही छोड़कर आए हो? शायद आप लोग नहीं जानते, यहां आकर भी मौत आप लोगों के सर से टली नहीं है। यहां से भागने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक जेल की तरफ जाता है जहां पुलिस शिकारी कुत्तों की तरह आपकी तलाश में है, और दूसरा रास्ता मौत की तरफ जाता है जहां इतने बड़े गैर कानूनी धंधे चलते हैं कि अनजान आदमी को देखते ही गोली मार देते हैं। अगर आप लोग मेरा साथ छोड़कर गए तो जिंदगी आप लोगों का साथ छोड़ देगी। अपना एक मकसद पूरा करने के लिए आप लोगों को जेल से आजाद करके यहां लाई हूं। मैं वादा करती हूं मेरा मकसद पूरा होते ही आप लोगों को आजादी मैं ही दिलवाऊंगी। किशन ये गन मुझे दे दो, आगे हमारे काम आएगी। शादी की बाजी मार ही ली गीता। क्या करूं गायत्री, मुझे तेरा और मेरे भैया का हाल देखकर बहुत तरस आता है। मेरी डोली तेरे घर जाएगी तभी तो तेरी डोली इस घर में आएगी। हाँ चल हट। सच कह रही हूँ गायत्री, ये समाज सेवा छोड़ अपना घर बसा ले वरना जिंदगी भर कुमारी रह जाएगी। शादी तो करनी है, बस इंतजार तो इस बात का है कि एक बार थनकपुर गाँव में वो डैम बन जाए, जिस काम का बीड़ा मैंने उठाया है वो पूरा हो जाए। ओफो गीता, अरे भाई बातें बंद करो, बाहर चलो, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। भैया मैं आपकी जल्दी समझ सकती हूँ लेकिन लेकिन जरा तैयार तो होने दो। जी नहीं जी नहीं जी नहीं, मैं जल्दी इसलिए मचा रहा हूँ कि बाहर सारे मेहमान आ गए, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अच्छा अच्छा, आप सिर्फ ये कहने के लिए यहाँ आए थे? जी नहीं जी नहीं, मैं साथ साथ में ये भी देखने आया हूँ कि कहीं हमारे मेजर साहब चोरी छिपे खिड़की से सबसे पहले हमारी बहन के पास तो नहीं आ गए। गायत्री भाई, मैंने तो सुना था कि ये फौजी लोग वक्त के बड़े पाबंद होते हैं, क्या टाइम हुआ है? ये मेजर का रह गया।